बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इसमें ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग किस शख्स के लिए किस वक्त किस तरह से लेके चलना ज़रूरी है, किस तरह से उसके ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो पहली बात तो जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ये उन लोगों के लिए है जो जिनमें जो है ख़ुद काम करने की सलाहियत होती है, जो ख़ुद काम करना चाहते हैं। पहली बात, इसके लिए पहली शर्त यह है कि वो मेन चीज़ जो है वो लाइफ में ख़ुद काम करना चाहते हों, यानी कंप्यूटर और लैपटॉप पे उन्होंने ख़ुद काम करना है, ख़ुद अपनी सर्विसेज किसी को सेल करनी है या किसी प्रोडक्ट को ख़ुद मार्केट करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स उन लोगों के लिए जो ख़ुद सीख के काम करना चाहते हैं। अब सेकंड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उन लोगों के लिए है जिनके पास कम से कम 50,000 से लेके 1,00,000 का मार्केटिंग बजट है, यानी कि इतने पैसे वो मार्केटिंग में रिस्क पे लगा सकते हैं। यानी कि ये 50,000 से रुपये लेके 1,00,000 रुपये अगर उनके डूब भी जाएं तो बर्दाश्त कर सकते हों। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उन लोगों के लिए है। अब वो लोग जिनके पास कम से कम 1,00,000 प्लस 10,00,000 तक का बजट है, इतनी सेविंग है, इतने पैसे आराम से वो लगा सकते हैं, तो उनको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा वो बजाय इसके कि डिजिटल मार्केटिंग सीखें, हाँ एज अ स्किल सीखना चाहें कि उनके पास एक लाइफ में स्किल आ जाए कि अल्लाह ना करे लाइफ में किसी वक्त भी आप डाउनफॉल होता है, कोई अल्लाह ना करे बुरे हालात आते हैं, तो अपनी स्किल्स अपनी सर्विसेज बेच के, यानी कि लोगों को अपनी सर्विसेज दे के वो कुछ अपना सर्किट चला सकें, अपना किचन मनी का बंदोबस्त कर सकें, रोज़मर्रा के अखराजात पूरे कर सकें। तो उनके लिए ये कोर्स मुफीद होगा कि वो एक स्किल सीख लें कि उनको जो है चीज़ों को ऑनलाइन सेल करना आ जाएगा। हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में सिखाते क्या हैं, फेसबुक में किस तरह एड्स रन करते हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे किस तरह एड्स रन किए जाते हैं, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। जब आप ये सीख जाते हैं तो आपको चीज़ों को ऑनलाइन सेल करने आ जाता है। आपकी कोई प्रोडक्ट है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई प्रोडक्ट है, तो आप जो है उसको सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, या किसी के किसी भी कारोबार में उनको ऑनलाइन प्रमोट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, और उनसे कोई सर्विस चार्ज सर्विस ले सकते हैं, उनके पास जॉब कर सकते हैं आराम से। आप महीने का 30,000 से लेके 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, जितने भी अच्छी आप लेवल पे जॉब अवेल कर लेते हैं, कितनी ज़्यादा जॉब्स अवेल कर लेते हैं, अगर मिसाल के तौर पर आप ऑनलाइन जॉब्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, ऑनलाइन लोगों के पास जॉब कर रहे हैं, और आप 10 क्लाइंट्स भी लेते हैं, एक क्लाइंट से अगर आप 30,000 रुपये भी चार्ज करते हैं महीने का 3,00,000, तो इस तरह भी आप कमा सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब आते हैं दूसरी तरफ, वो लोग जो सिर्फ अपने पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, वो ये तरीका है कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने की उनको ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बस महीने में एड्स रन कर दिए, 15,000 रुपये पूरे महीने का बजट रख लिया, 30,000 रुपये रख लिया, 40,000 रख लिया, 50,000 रख लिया, 1,00,000, 1.5 लाख, जितना भी वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, तो वो अपने एड्स रन करें। अब ये कोई प्रोडक्ट हो सकती है, फिलहाल मैं किसी खास स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा रहा। हाँ, ये अलबत्त आपने कैलकुलेशंस करनी है कौन सी प्रोडक्ट आप सेल करें, कितना अच्छा उसमें मार्जिन होगा, तो आप कितना अच्छा उसमें बेनिफिट लेके निकलेंगे। तो ये आपने प्रोडक्ट खुद सिलेक्ट करनी होती है। हम रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हमारा ज़्यादा फोकस, हमें पता है हाई टिकट प्रोडक्ट है, हम ठीक ठाक उससे अर्निंग कर लेते हैं, तो हम इसलिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स पे। तो अब ये मैंने दूसरी कैटेगरी बता दी। अब हमारे साथ जो है जो काम करेंगे, अगर तो आप अलहयात पे काम करें, फिलहाल हम आ जाते हैं जिस पे हम काम करें अलहयात पे, इस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। अलहयात आपको पहले किस तरह प्रॉफिट दे रहा है इसको समझ लीजिए। अलहयात में आप किसी कोई भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी की 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करवाई, तो अलहयात आपको महीने के 10% से लेकर 18% की राउंड अबाउट फिगर में प्रॉफिट दे रहा है। इसमें आधी रकम अपनी होती है, आपकी आधा प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर प्लान में। आपने किसी की 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करवाई, आपको हर महीने 10 से 18,000 रुपये अलहयात की तरफ से मिल रहे होंगे, ठीक है, ये इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करवाई 10,00,000 की, तकरीबन आपको 1,20,000 से लेके 1,40,000, और ये 1,80,000 भी हो सकते हैं और 1,00,000 भी हो सकते हैं, यानी कि ये फिक्स नहीं है, ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा शेयर होल्डर प्लान है। इसमें जो है आपको डायरेक्ट अगर आप सेल सबमिट करते हैं तो आपको जो कमीशन मिलता है वो 7% मिलता है। ये पॉइंट ज़रा बहुत वैलिड है, इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जो अलहयात है वो किस तरह प्रॉफिट दे रहा है, अगर आप इन्वेस्टर हैं और कंपनी के शेयर होल्डर प्लान में आते हैं, कंपनी आपको 10-18% हर महीने रिटर्न दे रही है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1,00,000 है तो आपको 10 से 18,000 महीने के मिलेंगे, जिसमें आधी रकम आपकी अपनी होगी, आधा प्रॉफिट होगा। 1 करोड़ है तो फिर यही
10 to 18 minutes, 10 lakh से 18 lakh के दरमियान। और अगर आप जो है इन्वेस्टर हैं तब ये आपको मिल रहा है। और अगर आप जाते हैं कंपनी के दूसरे प्लान पे जिसमें शॉप्स हैं, जिसमें आप पूरी शॉप लेते हैं, शेड स्पेस लेते हैं, उसमें आपको कंपनी फिक्स 7% रेंट दे रही है, किराया दे रही है। अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी आपको 7 लाख रुपये महीने का रेंट देगी, किराया देगी। अगर आप जो है 10 लाख करते हैं 70,000, ठीक है। अगर आप 1 लाख करते हैं, 1 लाख तो उसमें कर नहीं सकते, जो हमारी शॉप वाला प्लान है, शेड और स्पेस वाला प्लान है रेंट वाला, उसमें 1 लाख नहीं कर सकते आप। अब आते हैं रियल्टर्स जो आगे काम करना चाहते हैं कंपनी के साथ, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आगे काम भी कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। रियल्टर्स अगर कंपनी को कोई डायरेक्ट सेल देते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं हूँ, मैंने अली को सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने एक्स वाई जी कोई भी इन्वेस्टमेंट की, मिसाल के तौर पर उन्होंने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो कंपनी ने मुझे कमीशन दे दिया 70,000 रुपये, 7%। अब मैंने अली को सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, अली ने आगे फिर किसी को सिस्टम में किसी की इन्वेस्टमेंट करवा ली, तो अली को 7% मिलेगा और आपको 2.5% मिलेगा। इसको गौर समझ लीजिए, कंपनी आपको डायरेक्ट सेल पे 7% दे रही है, आपने किसी को सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया तो कंपनी आपको उनको 7% देगी, लेकिन आपके सेकंड लेवल पे हैं तो आपको 2.5% देगी। इस तरह अगर वो आपके थर्ड लेवल पे कोई सेल सबमिट होती है तो उसमें भी कंपनी आपको 2% मज़ीद देगी, यानी कि उनको 7%, उसके नेक्स्ट वाले को 2.5% और आपको 2%। आपके फोर्थ लेवल पे कोई सेल सबमिट होती है तो कंपनी आपको 1.5% देगी। अभी सारी सेल्स आप नहीं कर रहे, आपने सिर्फ पहली सेल की थी डायरेक्ट सेल, वो जितनी मर्ज़ी आप करें आप 7% लेते जाएंगे कंपनी से। फिर आपके सेकंड लेवल पे जो सेल्स होंगी वो जितनी मर्ज़ी होंगी उसका आपको 2.5% ऑटोमेटिक कंपनी की तरफ से आपको मिलता रहेगा। आपके थर्ड लेवल पे जितनी सेल होगी आपको 2% मिलता जाएगा, फोर्थ लेवल पे जितनी सेल होगी 1.5% मिलता रहेगा, फिफ्थ लेवल पे जितनी सेल होगी आपको 1.25% मिलता रहेगा। इस तरह आपके सिक्स लेवल पे जितनी सेल होगी आपको उसका 1% मिलता रहेगा, आपके सेवन्थ लेवल पे जितनी सेल होगी उसका आपको 0.75% मिलता रहेगा। ये कंपनी आपको इस तरह रिटर्न दे रही है, एक चीज़ ये समझ आ गई आपको। दूसरा जो समझने वाली बात है वो ये है कि अब कंपनी आपको, लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके थ्रू, वन टाइम तो आपको 7% दे दिया, अब हर महीने उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है 7%, उसका भी 7% हर महीने आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपके नीचे किसी ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की डायरेक्ट, तो हर महीने उनको जो प्रॉफिट 7 लाख ऑलमोस्ट मिलेगा, तो उसका 7% तकरीबन 40 से 50,000 रुपये बनते हैं, वो हर महीने आपको मिलते रहेंगे जब तक वो इन्वेस्टमेंट रखेगा कंपनी में, जब तक 14 मंथ्स पूरे नहीं होते, 16 मंथ्स पूरे नहीं होते, तब तक आपको मिलता रहेगा, नहीं आपको 40-50,000 रुपये की आपकी पक्की इनकम लग जाएगी फर्स्ट लेवल पे ही। अगर सिक्स लेवल से सेकंड लेवल की इन्वेस्टमेंट आपकी आती है तो उसमें आपको 6%, फिर इस तरह थर्ड लेवल पे 4%, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह ये सर्किट चलता है, ठीक है। तो अब क्या है कंपनी अलायात के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। जानजेब आलम साहब जो इसके CEO हैं, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, 22 साल का इनका रियल इस्टेट का एक्सपीरियंस है, जो कि दुबई में और मुख्तलिफ इस तरह की कंपनीज़ में इन्होंने काम कर चुके हैं। दुबई में इमार लेवल, इमार पे डायरेक्टर लेवल तक इन्होंने काम किया है, उधर हाई राइज प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, फिर कराची में किया, फिर अब इस्लामाबाद में कर रहे हैं, अभी इनका हिलव्यू टावर जो बैरी टाउन फेज़ 8 में 9 कमर्शियल हैं वहाँ पे वो बन रहे हैं, इसके अलावा चकदरा में इनकी है, फिर कराची में इन्होंने 2 साइट्स डिलीवर की हुई हैं। तो इसके अलावा ये स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ जो है स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे स्पोर्ट्स को लेके जा रहे हैं साथ साथ, फिर अभी इन्होंने अपना टीवी चैनल भी लॉन्च कर दिया है और प्रेस टीवी के नाम से, फिर इसके अलावा जो है ये रेंट ए कार का बिज़नेस कर रहे हैं, दुबई बेस्ड है, वहाँ पे जो है लग्जरी कार पे मुश्तमिल इनका ऑलमोस्ट 550 फ्लीट है, उस पे काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा ट्रेडिंग का इनका बिज़नेस है, फिर इस तरह इसके अलावा जब पैसे हाथ में होते हैं तो बंदे बहुत सारे और भी बल्क में जो ऑप्शंस होती हैं उनको अवेल कर लेते हैं, कोई डील उठा ली उससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके बाहर आ गए। तो एक ट्रेडर जिनसे मैं ख़ुद मिला हूँ, जिनको बकायदा इनके पास जॉब ऑफर हो रही थी लेकिन उनको साथ कहा जा रहा था कि आपने जो है दुबई या कतर मूव करना होगा, तो वो उनके लिए फिजिबल नहीं था इसलिए वो नहीं गए। तो कहते हैं इनका पाकिस्तानी 1 अरब रुपये का ऑलमोस्ट अकाउंट मैंने खुद देखा है ट्रेडिंग का, और ये उनकी एस्टिमेशन थी कि अगर 1 अरब रुपये ट्रेड हाउस में आपके हों तो आराम से उससे महीने का आप 60 करोड़ रुपये आराम से कमा सकते हैं, ये उनकी रिपोर्ट थी। अगर आप बिल्कुल लो रिस्क प्लान पे चलते हैं, अगर हाई रिस्क पे जाते हैं तो आप 2 मंथ में अमाउंट डबल भी कर सकते हैं,
तो ये सारी है अलहयात के बारे में। तो अलहयात के में बहुत सारे लोग जब आप ऑफिस आएंगे हमारे, तो आप देखेंगे कम से कम हमारे पास 8-10 लोग तो कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने 4 से 5 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, और बेशुमार लोग आप ऐसे देखेंगे जो महीने में 10 से 20 लाख रुपए, 10 लाख 20 लाख अर्निंग कर रहे हैं। इनकी फिगर जो ऐसे लोग हैं जो 10 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये कोई मेरे अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 कम से कम ऐसे लोग होंगे जो इतना कमा रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात रियल इस्टेट में ख़ास तौर पे आप देखें, जितने बड़े बड़े पाकिस्तान में इदारे हैं जैसे Zameen.com हो गया, Agency21 हो गया, Zam Builders हो गए, AAA Square 9, ये सारे देखें अब कितने कितने इनके एम्प्लॉयज़ हैं, फिर कहाँ से इतना सबको पे भी कर रहे हैं। 50,000 at least मिनिमम सैलरी होती है, कमीशन अलग से होते हैं, डीलर्स को एटलीस्ट ये 10-15% ऑफर कर रहे होते हैं, तो इतनी अर्निंग कहाँ से हो रही होती है। तो ये सिर्फ खाली प्रॉपर्टी को भी अगर देख लिया जाए, प्रॉपर्टी में भी आराम से आपको 3 से 4 गुना साल में आप निकाल लेते हैं या प्रोजेक्ट पे निकाल लेते हैं। और हम तो क्लाइंट को सिर्फ 1 टाइम देते हैं कि अगर हमें कोई 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देता है, हम उसको 2 करोड़ करके दे देते हैं, 2 करोड़ की करता है देता है 4 करोड़ करके देते हैं। हालाँकि हम कितना कमा रहे होते हैं, हम उस 1 करोड़ से 4 करोड़, 3 से 4 करोड़ कमा लेते हैं आराम से बआसानी। तो ये बेसिकली कंपनी का सारा प्लान है। तो अब आते हैं थोड़ा सा काम की तरफ, बल्कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ ताकि वीडियो लंबी हो रही है, आप ये वीडियो देखें इसमें इसी चीज़ को समझें। नेक्स्ट मैं बताता हूँ एक और तरीका काम का, वो क्या है। दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।